कॉमेडियन कपिल शर्मा और उनकी पत्नी गिन्नी चतरथ बीती 1 फरवरी को दूसरे बच्चे के पेरेंट्स बने थे। जी हां, कपिल शर्मा के फैंस उनके बेटे का नाम जानने के बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब कॉमेडियन ने अपने बेटे का नाम का खुलासा कर दिया है। बता दें कि इससे पहले इस कपल की एक बेटी है जिसका नाम है अनायरा। जी हाँ, आपको बता दें, बेटे होने की खुशखबरी को फैंस के साथ शेयर करते हुए कपिल शर्मा ने ट्वीट कर लिखा था कि नमस्कार, आज सुबह हमें भगवान के आशीर्वाद से बेटा हुआ है। माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। आप सबके आशीर्वाद, प्यार और प्रार्थनाओं के लिए शुक्रिया। बता दें कि कपिल शर्मा ने अपने बचपन की दोस्त गिन्नी चतरथ से हिंदू और सिख रीति रिवाज के साथ दिसंबर 2018 में शादी की थी। जी हाँ आपको बता दें कि कपिल शर्मा ने अभी हाल ही में अपना 40वां बर्थडे सेलिब्रेट किया था। इस मौके पर नीति मोहन ने 2 अप्रैल को कपिल शर्मा को बर्थडे विश किया था। साथ ही उन्होंने कपिल से बेटे का नाम भी पूछा था। अब कपिल ने नीति को थैंक यू बोलते हुए बेटे का नाम का खुलासा किया। नीति ने लिखा था कि हैप्पी बर्थडे कपिल शर्मा, आपके और आपके परिवार के लिए बहुत सारा प्यार, अब तो बेबी बॉय का नाम बता दो। इस पर कपिल ने रिप्लाई किया। कपिल ने लिखा, थैंक यू नीति, उम्मीद है कि तुम अपना ध्यान रख रही हो, हमने बेबी बॉय का नाम त्रिशान रखा है। कपिल का ये ट्वीट काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। कपिल ने बेटे का बड़ा ही खूबसूरत नाम रखा है। आपको बता दें कि कपिल ने बेटे का नाम भगवान कृष्ण के नाम पर रखा है। अब फैंस कपिल के बेटे की झलक पाने के लिए बेसब्री का इंतज़ार कर रहे हैं। आपको बता दें कि कपिल शर्मा को एक बेटी भी है। बेटी का नाम कपिल ने अनायरा रखा है। सोशल मीडिया पर अनायरा की तस्वीरें अक्सर वायरल होती है। वर्क फ्रंट की अगर हम बात करें तो कपिल जल्द ही द कपिल शर्मा शो लेकर आने वाले हैं। शो को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं का हिस्सा बने हुए हैं कपिल शर्मा। जी हाँ, तो आपको कपिल शर्मा के बेटे का नाम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 न्यूज़ से। सुरभि की रिपोर्ट।